Students, welcome to education. अब अब करने वाले हैं classification of तो अब स्टार्ट करेंगे, classification, classification of तो करेंगे की मैं बात करूं तो जनरली दो टाइप के क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं ब्रिक्स में दो टाइप के क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं तो एक है आई एस क्लासिफिकेशन जो स्ट्रेंथ के बेसिस पे किया गया है और नेक्स्ट है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एक बेसिक जनरल आइडिया लेके किया गया है ब्रिक की क्वालिटी को लेके तो देखते हैं इन दोनों को तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा कि यदि एक बर्ट ब्रिक है यदि एक बर्ंट ब्रिक है एक बर्ंट ब्रिक है तो उसको दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है या उसके क्लासीफाई करने के दो तरीके हैं पहला मैं बोलूँ पहला मैं बोलूँ तो पहला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पहला है ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट में बात करूँ नेक्स्ट में बात करूँ तो मैं बोलूँगा आई एस कोड क्लासिफिकेशन तो दूसरे टाइप का है आई एस कोड आई एस कोड क्लासिफिकेशन ठीक है अब यदि मैं बात करूं कि किस किस पे बेस है लेके इनमें क्लासिफिकेशन किया गया है तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में बेसिक क्या लिया गया है क्वालिटी को लिया गया है ठीक है क्वालिटी को लिया गया है और यदि मैं बात करूं आईएस कोड में तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बेस लेके क्लासिफाई किया गया तो मैं लिख सकता हूं कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेके स्ट्रेंथ को लेके क्या किया गया है क्लासिफाई किया गया है तो अब हम एक एक करके दोनों के बारे में देखेंगे और फर्स्टली में बात करूंगा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की तो फर्स्टली में बात करूंगा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की ठीक है तो मैं यहां लिख लेता हूं ट्रेडिशनल 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 क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन तो हमें पता है कि इसमें क्वालिटी को बेस लेके क्वालिटी को क्वालिटी को बेस लेके क्या किया गया है क्लासिफाई किया गया है इसके बारे में हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि ये किसी भी आई एस कोड में मैंशन नहीं है या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको क्लासिफाई नहीं किया गया है रिकमेंड नहीं किया गया है। है एक जनरल लिटरेचर में मिलती वैल्यू जो कि उनके रिस्पेक्टिव डिक्रीमेंट ऑफ क्वालिटी के बेसिस पे है तो हम लिख सकते हैं यदि इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो किस तरीके से किया जाता है या उनको क्लासिफाई करने के बाद किस नाम से बोलते हैं क्वालिटी के बेसिस पे तो ये होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास ब्रिक क्योंकि हमें पता है फर्स्ट क्लास होगा तो एक बेटर क्वालिटी के लिए वर्ड ये यूज किया जा रहा है सेकेंड है सेकेंड क्लास ब्रिक सेकेंड क्लास ब्रिक और थर्ड में बात करूं थर्ड में बात करूं तो ये है थर्ड क्लास ब्रिक ठीक है थर्ड क्लास ब्रिक ये और भी इंफीरियर क्वालिटी होती जाती है फोर्थ एक और चीज यहाँ पे हम देखें तो वो कहलाता है क्लिन रिजेक्टेड ब्रिक ठीक है जो बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन में पर क्या होता है बनाने की प्रोसेस में क्या होता है वो कुछ एक पार्ट कुछ एक फ्रैक्शन रखता है तो वो भी एक चीज है तो कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन में ये आ सकता है क्लिन रिजेक्टेड तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे ये समझ के चलना है कि ये और भी खराब क्वालिटी का ब्रिक है तो भी उसको भी मैं एक बार यहां पे मेंशन कर देता हूं फोर्थ टाइप का होता है क्लीन रिजेक्टेड क्लीन रिजेक्टेड ब्रिक ठीक है ना क्लीन रिजेक्टेड ब्रिक पर हम इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में देखेंगे नहीं क्योंकि इसको हम यूज नहीं करते हैं कंस्ट्रक्शन में अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन केवल इन तीनों टाइप के ब्रिक्स पे है तीनों ब्रिक टाइप पे है ठीक है अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि इसमें क्वालिटी किस तरीके से बदल रही है वन बाय वन तो फर्स्टली मैं कुछ पैरामीटर सिलेक्ट करूंगा फर्स्टली मैं कुछ पैरामीटर्स सिलेक्ट करूंगा और साइड बाई साइड हम ब्रिक्स लिखते जाएंगे और उनमें क्या क्या चेंजेस हैं या वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट क्लास ब्रिका सेकेंड क्लास ब्रिक और लास्टली मैं बात करूं लास्टली मैं बात करूं तो वो होगा थर्ड क्लास थर्ड क्लास ब्रिक ठीक है ना तो इस तरीके से अब हम एक एक करके पैरामीटर्स देखने वाले हैं ठीक है ना एक एक करके पैरामीटर्स देखने वाले हैं तो सबसे पहला पैरामीटर जो मैं यूज करूंगा या जिसकी बात करने वाले हैं वो है मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स तो ब्रिक इन ब्रिक्स की मोल्डिंग कैसे की जा रही है ये हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक सुपीरियर है और थर्ड क्लास इन्फीरियर है तो अब हम देखते हैं कि वन बाई वन ये इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं तो फर्स्ट पैरामीटर में ले रहा हूं मोल्डिंग टाइप ऑफ मोल्डिंग मोल्डिंग टाइप ठीक है तो मोल्डिंग टाइप तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में मोल्डिंग की बात की जाए तो इसमें कौन सी मोल्डिंग होती है टेबल मोल्डिंग ठीक है इसमें होती है टेबल मोल्डिंग होती है ठीक है ना टेबल मोल्डिंग होती है यदि नेक्स्ट में बात करूं सेकेंड क्लास ब्रिक की तो इसमें भी क्या होता है इसमें भी टेबल मोल्डिंग होती है इसमें भी टेबल मोल्डिंग होती है लास्टली मैं बात करूं तो थर्ड क्लास ब्रिक की यहां तक आते आते ये चीज चेंज हो जाती है और ये बदल जाता है ग्राउंड ग्राउंड मोल्डिंग में ठीक है ग्राउंड मोल्डिंग में ये चीज कन्वर्ट हो जाती है ठीक नेक्स्ट में बात करूं नेक्स्ट में बात करूं अच्छा इसमें एक चीज और बताने लायक है कि आप बोलोगे कि सर जो तीनों मेथड है वो हैंड मोल्डिंग की है या मैनुअल मेथड है ये इसमें मशीन मोल्डिंग क्यों नहीं यूज की गई फर्स्ट क्लास ब्रिक में तो की जा सकती थी इसकी मैं बात बताऊं तो यदि ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास ब्रिक की बात की जा रही है ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है और यहाँ पे प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप है और दूसरी कंडीशन कुछ इस तरीके से अवेलेबल है तो पॉपुलर मेथड मैनुअल मेकिंग ही है इसलिए क्या किया जा रहा है टेबल मोल्डिंग और ग्राउंड uh, मोल्डिंग को ज्यादा प्रेफर किया जाता है और उसी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन भी है ठीक है ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेकंड में बात करूंगा सेकंड में बात करूंगा कि साइज एंड शेप कैसा है शेप एंड साइज कैसा है तो शेप एंड शेप And size पे बात की जा रही है तो शेप तो हमें पता है कि इसका रेक्टेंगुलर शेप होता है और होता होता है है, 19 into 9 into 9। पर क्या होता जाता है? जैसे ही इनफीरियर क्वालिटी होती जाती है तो ये स्टैंडर्ड साइज है उससे डेविएशन आने लगता है कुछ डिस्टॉर्शन मिलता है तो यहाँ पे शेप की बात इस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है कि जो शेप यहाँ पे यूज किया जाएगा वो स्टैंडर्ड है या नहीं स्टैंडर्ड है या नहीं और साइज की बात की जाए तो साइज क्या है रेगुलर है या नहीं ठीक है साइज जो है 19 इंटू नाइन इंटू नाइन यदि हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो उससे कितना डेविएशन है कितना इरेगुलारिटी आ रही है उसके टर्म में यहां पे बात की जा रही है तो यहां पे रेगुलरिटी के टर्म में बात कर रहे हैं रेगुलरिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करें तो यहाँ पे ये दोनों क्राइटेरिया में क्या होता है फुलफिल कर रहा है और इसको बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड एंड रेगुलर ब्रिक्स इसमें मिलते हैं स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड एंड रेगुलर रेगुलर ठीक है रेगुलर ब्रिक जो है इसमें मिलते हैं अब नेक्स्ट में सेकेंड क्लास ब्रिक पे आ जाता हूं तो सेकेंड क्लास ब्रिक में क्या होता है ये ये होते हैं रेगुलरिटी इसमें क्या होने लगती है कम होने लगती है ये क्या हो जाते हैं इरेगुलर ब्रिक होने लगते हैं इेगुलरिटी इ रेगुलरिटी आने लगती है ठीक है ना लास्टली मैं बात करूं तो अब यहां पे जो इेगुलारिटी आ रही थी साइज में ठीक है इसका शेप की बात करूं तो शेप एक स्टैंडर्ड ना होके उसमें भी थोड़ा इरेगुलरनेस रहेगी सेकेंड क्लास ब्रिक में थर्ड क्लास ब्रिक में बोलूं, तो इिटी तो आने ही लगती है साथ में शेप में क्या क्या होता है शेप में भी आ जाता है, तो मैं लिख सकता हूं इेगुलरिटी एंड डिस्टॉर्टेड ब्रिक इेगुलरिटी इेगुलर इेगुलर एंड डिस्टॉर्टेड ब्रिक एंड टेड ब्रिक ठीक है ना नेक्स्ट मैं बात करता हूं नेक्स्ट मैं बात करता हूं पैरामीटर देखें तो सरफेस एंड सरफेस एंड थर्ड में लेता हूं तो सरफेस एंड एज सरफेस एंड एज की बात करते हैं सरफेस एंड एज की बात करते हैं तो सरफेस से मतलब है टेक्सचर कैसा है छूने में स्मूथ है या खुरदुरा है तो सरफेस की बात की जा रही है टेक्सचर के टर्म्स में टेक्सचर के कॉन्टेक्स्ट अं, में और एज की बात की जा रही है शार्पनेस जो एज है वो कितना शार्प है क्या उसमें कुछ इरेगुलरिटीज आ रही है अनइवननेस है तो एज की बात जो की जा रही है वो शार्पनेस के टर्म में की जा रही है ठीक है ना तो इन दोनों चीजों को देख के हमें बताना है कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक में क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है या क्या क्या चीजें बदल रही हैं। तो मैं इसको लिखू तो बोल सकता हूं इसको लिखू तो मैं बोल सकता हूं ठीक है बोल सकता हूं ठीक है फर्स्ट क्लास ब्रिक में सरफेस कैसा रहेगा स्मूद रहेगा और एज कैसे रहेंगे शार्प रहेंगे तो मैं लिख सकता हूं स्मूथ एंड शार्प स्मूथ स्मूथ एंड शार्प ठीक है ना स्मूथ एंड शार्प सेकेंड क्लास ब्रिक की मैं बात करूं तो उसकी सरफेस कैसे होने वाली है इससे इंफीरियर होगी तो क्या होगी वो रफ सरफेस होगी रफ सरफेस होगी और उसके यदि एजेस की बात करें तो क्या होगा वो अनइवन होंगे वो होंगे अनइवन होने वाले हैं ठीक है ना वो क्या होने वाले हैं अन ईवन होने वाले हैं लास्टली मैं थर्ड क्लास ब्रिक की बात करूं तो थर्ड क्लास ब्रिक में क्या होने वाले हैं उसकी सरफेस बहुत ही होगी इरेगुलर हो होगी इरेगुलर होगी ठीक है ना सरफेस भी क्या होगा उसमें बहुत ज्यादा रफ हो रफनेस होने के कारण अब उसको रफ नहीं बोला जा सकता वो इरेगुलर ही बोलना पड़ेगा उसको और यदि मैं बोलूं एज की बात करूं तो उसमें एज में हो सकता है क्रैक पॉसिबल हो सकता है तो मैं लिख सकता हूं डिस्टॉर्टेड और डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड एंड एंड क्रैक्ड क्रैक्ड एजेस एजेस ठीक ठीक है है होंगे ना तो यहां पे हमने एक और पैरामीटर कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें हम तो ये होने वाला है कलर कलर पे बात करेंगे फोर्थ पैरामीटर है कलर तो कलर क्या बताता है इसका इंपॉर्टेंस कितना है इसको देखेंगे ठीक है ना कलर यदि कलर क्या है इंडिकेशन है का ठीक है जितना ही यूनिफॉर्म कलर आ रहा है उतना ही मतलब कि पूरे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक में एक सा हुआ है ठीक है अब बात करते हैं कि यदि रेड और ब्राउन यूनिफॉर्म कलर आ रहा है इसका मतलब कि जैसा हमें विस्कस विट्रिफिकेशन चाहिए वैसा हुआ है ठीक है अब यदि डार्क कलर आ रहा है ब्लैक कलर आ रहा है तो ब्लैक कलर क्या बताता है कि ब्रिक जो है ओवर हो गई है ठीक है और यदि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कैसा कलर आ रहा है लाइट कलर आ रहा है इसका मतलब ये अनबर्न रह गई तो एक हम आइडिया लगा सकते हैं कलर ऑफ ब्रिक से कि उसका विट्रिफिकेशन कैसा हुआ उसकी बर्निंग कैसी रही है ठीक है ना तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है तो ब्रिक को कलर को देखेंगे ब्रिक के कलर को देखेंगे फर्स्ट क्लास यदि ब्रिक की बात करूं तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रेड एंड रेड और ब्राउन कलर ठीक है ना यूनिफॉर्म रेड और ब्राउन कलर होगा इसमें ठीक है वहीं सेकेंड क्लास ब्रिक की में बात करूं तो सेकेंड क्लास ब्रिक में क्या होना वा, होने वाला है केवल बस यूनिफॉर्म कलर रहेगा यूनिफॉर्म कलर रहने वाला है अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये रेड होगा या ब्राउन होगा अब यहाँ से डेविएशन चालू होने लगता है कि एक सा विट्रिफिकेशन तो हुआ है उसमें पर जो हमें आइडियली चाहिए है उससे थोड़ा डेविएशन है सेकंड क्लास ब्रिक में और थर्ड क्लास ब्रिक में बात करूं तो नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कलर इसमें रहता है नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एंड डार्क कलर ठीक है ना एंड डार्क कलर इसमें देखने को मिलता है मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि एक तो उसमें जो विट्रिफिकेशन है वो भी यूनिफॉर्मली नहीं हुआ है पूरे वॉल्यूम में और सेकेंडली बात करूं डार्क कलर आ रहा है वो बताता है कि इसमें ओवर बर्ंट हो गया है मतलब ब्रिक जो है ओवर बर्ंट हो गई है ज्यादा उसको बर्न कर दिया गया है ठीक है ना तो नेक्स्ट पैरामीटर की बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर है नेक्स्ट पैरामीटर है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम नेक्स्ट पैरामीटर है मैक्सिमम मैक्सिमम वाटर एब्जॉपन मैक्सिमम वाटर एब्जॉपन ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ठीक है जिससे क्या पता चलता है जिससे पता चलता है कि इसमें कितने पोर्स अवेलेबल हैं ठीक है ना तो पोर्स का पता चलता है यदि ज्यादा है ज्यादा एब्जॉर्न हो रहा है मतलब ज्यादा पोर्सेज है और जितने ज्यादा होंगे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का क्या कम होने के चांसेस होते हैं और ड्यूरेबिलिटी क्या होती है कम हो जाती है तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है तो इसमें बोले कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना होता है तो यहाँ पे दो वैल्यू मिलती है लिटरेचर में कुछ जगह 15 परसेंट और कुछ जगह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर एब्जॉर्न ट्वेंटी परसेंट मिलती है तो इन दोनों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में ट्वेंटी परसेंट ही रहता है पर हम ऑप्शन देख के भी समझ सकते हैं कि कहाँ पे वो हमको फिफ्टीन परसेंट कहलवाना चाह रहा है तो ये भी हम इजीली समझ सकते हैं ऑप्शंस देख के ठीक है ना तो ये हमें दोनों वैल्यू माइंड में रख के चलना है यदि हमें दिया है ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी टू परसेंट ट्वेंटी परसेंट ही लगाने वाले हैं और कुछ ऐसी वैल्यूज दी है सपोज तो हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे फिफ्टीन परसेंट चूज करना है ना कि ट्वेंटी परसेंट तो ऑप्शन से ही वो चीज इजीली क्लियर हो जाती है पर हमें ये इसमें एक वैल्यू पे स्टिक करके नहीं रखना है ठीक है ना हमें इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी माइंड में रखना है क्योंकि यहाँ पे लिटरेचर में दो वैल्यूज यहाँ पे मैंने देखी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड क्लास ब्रिक की तो इसका मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्बन है 22% मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्बन है 22% परसेंट थर्ड की बात करें तो थर्ड क्लास ब्रिक में जो है 25% भी जो है इतना तक भी वाटर एब्जॉर्बन देखने मिलता है नेक्स्ट पैरामीटर की हम बात करें नेक्स्ट पैरामीटर की हम बात करें तो वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिक्स्थ पैरामीटर है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को देखेंगे कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को देखेंगे ठीक है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसमें होगा इसमें हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की वैल्यूज यहां पे देखने वाले हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की वैल्यू देखने वाले तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्या होगा टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है इसका वैल्यू इतना होना चाहिए इसमें सेकेंडली में बात करूं सेकेंड क्लास ब्रिक की तो वो है वो है सेवन पॉइंट जीरो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ये वैल्यू और थर्ड क्लास ब्रिक में कितना हो जाता है थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम स्क्वायर है ठीक है नेक्स्ट पैरामीटर की बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे कि कौन सा है नेक्स्ट पैरामीटर होने वाला है मेकिंग प्रोसेस तो ये बनता कैसा है और उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं बनने में तो वो देखेंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर है मेकिंग प्रोसेस मेकिंग प्रोसेस ठीक है ना तो तो ये बनता फर्स्ट क्लास ब्रेक की में बात करूं तो ये कैसे बनता है बर्न तो ये क्या clean में किया जाता है लिख सकता हूं बर्न ठीक है और इसमें क्या बनता है काफी आइडियली बनता है सारे जो पैरामीटर हैं इसके आइडियल की तरफ अचीव करते हुए दिखते हैं ठीक है नेक्स्ट में बात करूं सेकेंड क्लास ब्रेक की तो ये भी क्या होता है क्लिन में ही बनाया जाता है तो बंट इन क्लिन टाइम कई बार ये क्या हो जाता है थोड़ा ओवर बंट हो जाता है तो लिख सकते हैं एंड एंड समाइम टाइम मे बी ओवर बंट ठीक है ना ओवर बर्न हो जाता है थर्डली हम बात करें थर्ड क्लास ब्रिक की तो ये भी क्लिन में बनेगा पर ये यूजुअली क्या होता रहता है अंडर बर्न और ओवर बर्न हमें देखने को मिलता है तो इसमें लिख सकते हैं ये भी क्लिन में ही बनाया जाता है तो बर्न इन क्लिन एंड एंड मे भी क्या हो सकता है मे भी अंडर बर्न अंडर बर्न एंड और लिख सकते हैं ओवर बर्न ठीक है ना तो अंडर बर्न और ओवर बर्न देखने में ये ज्यादा आता है ये कभी कभी ही ओवर ओवरबर्न होता है और ये एकदम सुपीरियर क्वालिटी की बर्निंग इसमें देखने को मिलती है नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर है यूजेबिलिटी तो क्या यूज है इनका इस पर बात करेंगे उसको देखेंगे कि इनका यूज कहाँ किया जाता है तो एट्थ पैरामीटर है हमारा यूज ठीक है एट्थ पैरामीटर है हमारा यूज देखेंगे इनका तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उनका यूज किया जाता है परमानेंट एंड सुपीरियर वर्क के लिए तो मैं लिख सकता हूं इसका जो है यूज किया जाता है परमानेंट परमानेंट एंड सुपीरियर सुपीरियर वर्क के लिए किया जाता है ठीक है ना सुपीरियर वर्क के लिए किया जाता है सेकेंड क्लास ब्रिक की मैं बात करूं सेकेंड क्लास ब्रिक को इंटरनल वॉल्स में यूज किया जाता है यूज इन इन इंटरनल वॉल्स यूज इन इंटरनल इंटरनल वॉल्स ठीक है ना तो डायरेक्टली in in, तो इसको क्या किया जाता है एक्सपोज नहीं होने दिया जाता है से ताकि क्या हो इनका जो है डिटेशन कम हो और इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए इसलिए इनको कहा इंटरनल वॉल्स में यूज किया जाता है और लास्टली मैं बोलूँ थर्ड क्लास ब्रिक को तो ये यूज किए जाते हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर में सो so, लिख सकते हैं यूज इन यूज इन टेम्परेरी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स ठीक है स्ट्रक्चर्स में यूज किए जाते हैं ठीक है ना तो इस तरीके से हमने क्या किया इसमें आठ पैरामीटर देखे ठीक है ना आठ पैरामीटर पे बात की किस तरीके से किस तरीके से ये बिहेव करते हैं ठीक है ना क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें तो इस तरीके से हमने क्या किए आठ पैरामीटर्स देखे हैं आठ पैरामीटर्स हमने देखे हैं ठीक है और इसमें समझा है कि जो अलग अलग ब्रिक है हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक उसमें क्या क्या चेंजेस एक के बाद एक हमको देखने को मिलते हैं ठीक है ना तो ये वाला जो हमारा क्लासिफिकेशन है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ये यहाँ पे कंप्लीट होता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे आईएस कोड क्लासिफिकेशन तो देखेंगे IS code, classification में classification, classification किस तरीके से किया गया है? तो इसमें क्या बेस लिया गया है? Compressive strength को बेस करके classify किया गया है? है, है को करके किया ठीक ना? तो सबसे पहले उसमें उन्होंने एक क्लास लिया है सपोज थर्टी न्यूटन पर एमएम वैल्यू है स्ट्रेंथ की उसके तो ये क्लास थर्टी कहलाएगा तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा कि क्लास ऑफ ब्रिक है उसको लिखूंगा क्लास ऑफ ब्रिक और उसके बाजू में लिखने वाला हूं एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बाजू में लिखने वाला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक तो ये जो सेम ही क्लास है वही उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होने वाला है ठीक है ना तो देखते हैं कि ये कैसे होगा देख लेते हैं और ये स्ट्रेंथ रहने वाली है न्यूटन पर एमएम mm स्क्वायर में रहने वाली है तो ये स्टार्ट होता है जो इसमें मैक्सिमम क्लास दिया जाता है वो है क्लास 35 वो है क्लास 35 को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है और से कोरिस्पोंडिंग स्ट्रेंथ भी होने वाली है 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ठीक है फिर 30 आता है क्लास 30 ठीक है क्लास थर्टी का भी कितना हो जाएगा थर्टी न्यूटन पर एमएम स्क्टी फाइव तो ट्वेंटी क्लास ट्वेंटी क्लास ठीक है तो ट्वेंटी यहां तक हम देखते आ रहे हैं कि फाइव फाइव के डिफरेंसेस से कम होता जा रहा है क्लास को तो यहां से डिफाइन कर देते हैं अब इसके बाद क्या होगा अब इसके बाद क्या होगा टू पॉइंट फाइव से रिड्यूस होते जाएंगे क्लासेस ठीक है इसको याद रखेंगे हम तो यहां से आएगा नेक्स्ट क्लास है सेवनटीन पॉइंट फाइव क्लास और इसका इतना ही होने वाला है इतना ही होने वाला इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नेक्स्ट है फिफ्टीन फिफ्टीन उसके बाद आएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव टेन ठीक है टेन टेन सेवन पॉइंट फाइव .5, 5, और आखरी में आएगा थ्री पॉइंट फाइव ठीक है ना आखिरी में आएगा तो यहाँ से कितना आ कि तो कि लास्टली आएगा थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अब यहाँ पर इस तरीके से इतने क्लास जो हैं ब्रिक्स के डिफाइन किए गए हैं अब इसमें एक चीज और समझने वाली है कि यदि कोई बोल दे इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा उस पर बात करते हैं कि किस क्लास से लेके किस क्लास तक इसमें क्लासिफाई किया गया है तो कोई बोल दे तो इसमें लिख सकते हैं क्लास 3.5 से 35 तक जो है डिफाइन किया गया है ठीक है ना तो ये एक फैक्ट याद रखेंगे ठीक है नेक्स्ट फैक्ट आता है इसमें कि 3.5 से लेकर 12.5 तक जो वैल्यू है 12.5 तक जो वैल्यू है उसमें क्या रहना चाहिए मैक्सिमम वाटर एबजॉर्प्शन का वैल्यू मैक्सिमम मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए 20 परसेंट होना चाहिए ठीक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे यहाँ से लेके यहां तक कितना होना चाहिए ट्वेंटी होना चाहिए और यदि मैं बात करूं हायर क्लासेस की मतलब पंद्रह से लेके 35 तक पंद्रह से लेके 35 तक तो इनके लिए कितना होगा इनके लिए होगा फिफ्टीन परसेंट ठीक है यही चीज होने वाली है फिफ्टीन परसेंट तो एक बार देख लेते हैं इस क्लास के लिए होने वाला है ये इस क्लास के लिए वाटर कंटेंट या मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्पन वैल्यू होने वाली है ये तो ये भी एक याद रखेंगे कि सपोज हमें कुछ आ, इस तरीके से क्लास पूछ दिया कि क्लास ट्वेंटी के लिए मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्पन वैल्यू कितनी होगी तो कितनी होगी वो होगी फिफ्टीन परसेंट ठीक है ना यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ वाइज क्लासीफाई किया गया ये भी एक फैक्ट याद रखेंगे ठीक है ना तो हमारे पास कितने फैक्ट आ गए हमारे पास एक तो ये फैक्ट है क्लासिफिकेशन किसके बेस पर किया गया है और वाटर एब्सॉर्प्शन किस जगह से चेंज होता है ये भी हम देखेंगे ठीक है ना अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं मैं रीड आउट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करूंगा क्वेश्चन है बर्ट ब्रिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स तो यहाँ पे बर्ंट ब्रिक

ट्रेडिशनल ब्रिक के बारे में यदि मैं एक बात करूं तो मैं बोल सकता हूं इसमें क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है तो हमें पता है इसमें तीन या चार तरीके से मेनली हम ले सकते हैं ठीक है तो मैं एक बार लिख देता हूं जो फोर्थ वाली चीज है उसमें कंफ्यूजन है लेना है कि नहीं उस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा तो नॉर्मली बोल सकते हैं कि क्या होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है एक तो सेकंड ऑप्शन है या सेकंड क्लासिफिकेशन है इसमें सेकंड क्लास ब्रिक ठीक है ना थर्ड की मैं बात करूं तो बोलते हैं इसको थर्ड क्लास ब्रिक ठीक है ना थर्ड क्लास ब्रिक अब एक और हमने पढ़ा था फोर्थ होता है क्लिन रिजेक्टेड ब्रिक मतलब क्लिन में कई बार कुछ ऐसे ब्रिक भी बन जाते हैं जो क्या होते हैं इनको यूज नहीं किया जा सकता उसको इस क्लासिफिकेशन में लेना है या नहीं आंसर में लेना है या नहीं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब उसको अलग से क्लासिफाई किया गया है भले ही उसकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि उसको यूज किया जा सके कंस्ट्रक्शन फील्ड में पर तब भी उसको क्लासिफाई अलग से किया गया है और बताया गया है कि इनको यूज नहीं कर सकते हैं तो फोर्थ होता है क्लिन क्लिन रिजेक्टेड क्लिन रिजेक्टेड ब्रिक तो इसको भी लेंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है फोर जो कि ऑप्शन बी ना कि ऑप्शन सी ठीक है तो ऑप्शन 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 सी नहीं होगा सही option होगा सही बी ठीक है ना तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि हमें क्या करना है चारों चीजों को कंसीडरेशन में लेके चलना है ठीक है ना तो नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड आउट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड आउट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द ना तो यहाँ पे थर्ड क्लास ब्रिक की मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ पूछी जा रही है तो हम क्या करते हैं एक बार सभी फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक की एक बार मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ देख लेते हैं ठीक है ना तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास ब्रिक सेकंड क्लास ब्रिक सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक थर्ड क्लास ब्रिक तीनों की क्या कर रहा हूं एक बार मिनिमम स्ट्रेंथ लिख ले रहा हूं तो हमारा क्या होगा एक हल्का सा रिवीजन भी हो जाएगा ठीक है ना तो मैं यहां पे लिखूंगा मिनिमम, मिनिमम मिनिमम क्रशिंग क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है ना तो इसको देखेंगे भाई तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ठीक है ना यदि सेकेंड क्लास ब्रिक की बात करूं तो ये होता है 7.5 पॉइंट फाइव सॉरी सेवन पॉइंट जीरो सेवन पॉइंट ओ सेवन पॉइंट नॉट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर थर्ड क्लास ब्रिक की बात करूं तो ये होता है थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन हमको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कि जो सही है और वो है थ्री पॉइंट फाइव ठीक है ना तो वो है थ्री पॉइंट फाइव तो यहां से हम क्या कर पा रहे हैं पहले ही बार में हमने

उसमें से ये प्रडिक्ट करना है कौन सा जो स्टेटमेंट है उसकी प्रॉपर्टी को नहीं बता रहा है तो फर्स्टली हम देखेंगे फर्स्टली हम देखेंगे ऑप्शन ए हैव स्मॉल इरेगुलारिटीज ठीक है ना तो इरेगुलरिटीज क्या इसमें होती हैं तो जब हमने साइज एंड शेप के बारे में पढ़ा था तो वहां पे क्या होता था इरेगुलारिटीज होती हैं तो लिख सकते हैं यदि साइज एंड साइज एंड शेप की बात करूं एंड शेप की बात करूं तो वहां पे क्या होती है स्मॉल स्मॉल इरेगुलारिटीज इरेगुलरिटीज हमको देखने को मिलती है तो फर्स्ट जो है सही है सेकेंड बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन बिटवीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट तो हमने देखा था इसका मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है ट्वेंटी टू परसेंट तो एक बार इसको लिख लेते हैं ठीक है ना तो इसका वाटर एब्सॉप्शन कितना था मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन यहां पे हमारा था 22 और ये क्या मैक्सिमम वैल्यू रहती है मैक्सिमम वैल्यू होती है ठीक है ना नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे रेक्टेंगुलर इन शेप तो शेप तो क्या होगा रेक्टेंगुलर होगा ही सही है तो शेप क्या होगा रेक्टेंगुलर ही होगा रेक्टेंगुलर ही होगा तो ये सही है लास्टली पढ़ते हैं फ्री फ्रॉम क्रैक्स तो इसमें क्रैक फ्री होता है पता है तो ये क्रैक फ्री होता है ठीक है ना ये होता है क्रैक फ्री होता है ये भी सही है पर अब बात करें यहां पे जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन है वो हमारा था ट्वेंटी टू परसेंट ठीक है और यहाँ पे रेंज दिया है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक अब्जोर्व बिटवीन रेंज भी नहीं दिया इसने बोल दिया है इतने से इतने के बीच रहता है और यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि मैक्सिमम बाईस रहेगा इससे ज्यादा नहीं जाएगा तो यदि इसके ऑप्शन के हिसाब से 22 से 25 परसेंट के बीच भी क्या हो सकता है रह सकता है पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहां पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया मैक्सिमम बोल के ट्वेंटी टू से ऊपर जा ही नहीं सकता तो ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी ठीक है ना ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे माइन्यूटली यहां पे उसने ऑप्शन दिया है जिसको हमें उसको सही तरीके से देखना पड़ा और प्रेडिक्ट करना पड़ा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड आउट करूंगा द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्ंट क्ले ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्ंट क्ले ब्रिक एस पर आई एस वन जीरो सेवन सेवन ठीक है ना तो आई एस कोड के हिसाब से इसमें पूछा गया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हमें पता है क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ठीक है और यहाँ पे क्वेश्चन आया है आई कोड क्लासिफिकेशन से तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है आई कोड आई कोड क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया है ठीक है तो हमें पता है आई कोड क्लासिफिकेशन में क्या होता है बहुत सारे स्ट्रेंथ के वैल्यूज होते हैं बहुत सारे स्ट्रेंथ के वैल्यूज होते हैं और उसी के नंबर पे वो ब्रिक का क्लास डिसाइड हो जाता है तो यहाँ पे ब्रिक का क्लास होता है और यहाँ पे क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसकी तो यहाँ पे हम हल्का सा एक आइडिया ले लेते हैं कि क्लास जो है थर्टी फाइव से शुरू होती है ठीक है थर्टी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फिर उसके बाद टू पॉइंट फाइव से कम होने लगती है सेवनटीन पॉइंट फाइव फिफ्टीन ट्वेल्व पॉइंट फाइव ठीक है ना टेन सेवन पॉइंट फाइव फिर फाइव फिर उसके बाद वन पॉइंट फाइव से कम होती है तो आखिरी में बचता है थ्री पॉइंट फाइव तो यहाँ पे जितने भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उनका वैल्यू किस में हम लेते हैं न्यूटन पर एम एम स्क्वायेर में उसका वैल्यू लेते हैं और वही क्या वैल्यू होती है जो क्लास होती है उसी क्लास का जो वैल्यू आ रहा है वही होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो 100 होगा तो न्यूटन पर एमएमएस स्क्वायर को यदि कन्वर्ट करें तो 10 की बात बोल रहा है तो केवल 10 तो हो नहीं सकता ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो यह 15, तो 15 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ तो थ्री से थर्टी तक की रेंज में है नेक्स्ट बात करें हंड्रेड से 150, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि टेन से लेके वन फिफ्टी तक का क्या है रेंज है तो ये भी नहीं है रेंज तो थ्री पॉइंट फाइव से थर्टी फाइव तक है तो ये थर्टी 35 फाइव से थ्री फिफ्टी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोला जा रहा है तो ये यदि इसमें चेंज करोगे तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को बता रहा है कि मतलब ये यहाँ पे रेंज पूरा कवर कर रहा है ठीक है ना ये क्या कर रहा है पूरा रेंज कवर कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यही ऑप्शन सही होगा यही ऑप्शन सही होगा इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि 3.5 से 12.5 तक जाते जाते वाटर एब्जॉर्पन का वैल्यू कितना होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है 20% परसेंट होता है और 15 से 35 तक जाते हैं तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट वाटर एब्जॉपशन वैल्यू होता है 15 परसेंट तो कभी इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है जो हमको क्या रखना चाहिए याद रखना चाहिए ठीक है ना वो इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड आउट करूंगा पहले उसके बाद हम ऑप्शन पे जाएंगे द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक शुड बी तो यहाँ पे देखिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर ही चुके हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर ही चुके हैं और ऑप्शन देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में सारे वैल्यूज दिए हुए हैं तो फर्स्ट है सेवेंटी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमें पता है कितना होता है मिनिमम वैल्यू होता है सेकंड क्लास ब्रिक के केस में सेकंड क्लास ब्रिक के केस में कितना होता है सेवन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है यदि हम इसको करते हैं किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो ये क्या होता है दस गुना बढ़ जाता है और हो जाता है सेवेंटी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो सही आंसर इसका है ए सही इसका आंसर है ए ठीक है ना तो अब हम इतना ही रखते हैं इस क्वेश्चन सीरीज में थैंक यू